चलो खरी साहब मेन रोड छोड़ करके अपने अपना स्थान एडजस्ट कर ले वही छोटे करके भेजन होनी बड़ा भुक भुक करता मैं बैटरी की प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास है दोनों टीमें काफी सोच बूझ के साथ बोलू ये अच्छा रेडर है देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं जो कि बहुत फुर्ती से रेड करते हैं पर ये सेफ रेड करके वापस अपनी कोर्ट में नगवा की अगली रेड देखते हैं नगवा सेफ करती है या पॉइंट लेके आती है अगर ये सेफ करके आएंगे तो इनकी संभावना अगली रेड टू वन टाई रेड होगी पलवान करी पलवान कवर कर पलवान के भेजा जा पलवान के भेजा जा पूरा देश में दमकल हो जाए काफी अच्छा मुकाबला कथरिया बनाम नगवा के बीच देखने को मिल रहा है और अगला मैच मैं बता देना चाहता हूँ रेडी सॉरी 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 मिस्टेक बब्बर जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए एक छक्के में पूरा हार चुकी है टीम थर्ड रेड होगी तो रेड सेफ हो चुकी है अरे महाराज जब रेड चले तब थर्ड रेड बोला मार कर देखते हैं टीम के लिए क्या कर सकते हैं पॉइंट लेते हैं पॉइंट जब रेड चल जाओ ना तब थर्ड रेड हमको तो लगता है ये पॉइंट लेके ही जाएंगे देखते हैं अब ये क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए बहुत छोटे और ये डिफेंस डिफेंस के चक्रव्यूह में एक रेड लिए गए और ये पॉइंट दे के गए हैं नगवा टीम को और ये अगली रेड हमारे रेफरी महोदय बताएंगे ये डुअल टाइम तो नहीं है ना नहीं है डुअल टाइम नहीं है गुरु जी इतना प्रशंसा कर दी उनको कि वो पॉइंट की लेने की जगह दे करके गए और ये देखा भैया जगत का टैकल उठा लिया अकेले ही भैया ठीक है वो छोटा थी गजब का डिफेंस करते हैं भैया इनका नाम हम सुने हैं बहुत अच्छा डिफेंस करता है बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है वो लड़का जो अच्छा खेलेगा उसका नाम इस कमेटी में बार बार लिया जाएगा और ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है जिनकी फुटवर्क और इनका स्किल बहुत ही अच्छा हुआ है पहले से प्रैक्टिस करेंगे जो खिलाड़ी उनका स्किल और स्पीड दोनों ही परफेक्ट होगा और इसे फिर और ये नगवा की तरफ से रेड गोलू इस मैच में बहुत सारे गोलू हैं कथरिया में दो गोलू हैं इसमें दो गोलू और ये डिफेंस की कोशिश देखते हैं रेफरी महोदय क्या देते हैं रेफरी महोदय क्या देते हैं वन पॉइंट अरे गधा जब आउट बता साला है नहीं यही कहा रेफरी जब बाहर से गलत हेनियन दिया ही रेफरी महोदय और लाइन में टाइम आउट कर दीजिए मनोज जी रेफरी साहब और ये फिर से रेड हो रही है जो कि ये रेडर है और बहुत ही अच्छा रेड इस रेडर के द्वारा जो कि क्रास भी नहीं कर रहे हैं कचरिया के खिलाड़ी और ये देखते हैं देखते हैं रेफरी का डिसीजन क्या होता है रेफरी का डिसीजन एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया कोई खिलाड़ी डिस्कस नहीं करेगा एक करिए आप खेल खेलिए जो भी डिसीजन होगा मैं मेरा रेफरी देंगे आप लोग को अपने में डिस्कस करते हैं डिसीजन मत लीजिए और मैं बताने देना चाहता हूं दर्शकों को नगवा बनाम पथरिया के बीच अगला मैच बड़का खेत बनाम बभनौली दोनों का स्कोर अगला है बड़का खेत बनाम बभनौली दोनों टीमें पीछे हो जाए और हमारे रेफरी बनाने के लिए इस बात का भी हमें ख्याल है आप टेंशन न लो रेफरी महोदय जी
क्या होगा, ये अब इसके ऊपर है, क्या करते हैं देखते हैं। और एक बोनस का टाइम लगता नहीं, एक बोनस नगर के द्वारा। और मैं बता देना चाहता हूँ बोलू जी, कबड्डी का खेल समझने के लिए, कबड्डी का खेल समझने के लिए इंसान के पास भेजा चाहिए और खेलने के लिए बहुत सा बड़ा कलेजा चाहिए। वाह वाह वाह, शिला 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 जनता शिला। इस तरह से राहुल यादव ऊपर टेबल आम है कथरिया के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है पॉइंट लेने के लिए। देखते हैं कथरिया के खिलाड़ी इस मौके को कैसे घुमाते हैं। हमको लगता है गोलू जी कुछ करेंगे, और ये पर ये लगता है आर्यन सेफ रेड करने के मूड में ही है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और ये रेडर अपना फुटवर्क करते हुए और ये सेफ रेड है। नगरा के खिलाड़ी काफी सेफ रेड के साथ धैर्य से अपना स्टेप अपना रहे हैं। और डेढ़ मिनट इस हाफ टाइम में टाइम बचा है, डेढ़ मिनट। अरे कथरिया का प्लेयर डिफेंस हो चुका है, एक पॉइंट नगवा नगवा कथरिया दो सुपर टेकल आग। देखते हैं गोलू जी का कमाल, गोलू जी का कमाल, मिट्टू जी कमेंट्री कर रहे हैं जो काफी सूझबूझ के साथ कमेंट्री करते हैं। मिट्टू जी आज एक बात कहना चाहता हूँ, कबड्डी में नए नए खिलाड़ी आने लगे हैं, कबड्डी में नए नए खिलाड़ी आने लगे हैं, सबके दिलों पे छलांगें लगाने लगे हैं। और इसी के साथ दो पॉइंट का इजाफा कथरिया का होता हुआ, कथरिया 4 नगवा 10, नगवा 10 कथरिया 4। और ये नगवा का खिलाड़ी कथरिया क्षेत्र में अपना रेड कराते हुए काफी अहम रेडर है अपने टीम के, काफी सूझबूझ के साथ ये रेड कराते हैं। मिट्टू जी बता दो कि दो नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी जो है ना अपने नगवा के साथ आन मान साथ जान। और इस तरह से इस हाफ टाइम का लास्ट रेडर है ये। मैं अपने महोदय से अवगत करा देता हूँ कि इस हाफ टाइम का लास्ट रेडर गोलू अपने काम पे ध्यान दे भैया, ठीक ना। और ये काफी शानदार प्रदर्शन नगवा के खिलाड़ियों द्वारा, दो नंबर के बच्चे के खिलाड़ी का जितना तारीफ की जाए, जितना उत्साह के साथ उमंग के साथ उनका हौसला जाए की जाए, उतना ही कम होगा। मिट्टू जी गोलू हमेशा ही अपने टीम के लिए अहम पॉइंट निकालते हैं, देखते हैं इस बार क्या करते हैं अपने टीम के लिए। हमेशा ही अपने टीम के लिए काफी अच्छी रेट करते हैं और अच्छी पॉइंट निकाल के लाते हैं। इस बार सेफ रेट गोलू द्वारा इस तरह से। और ये आगे खिलाड़ी नगवा के खिलाड़ी इस हाफ टाइम के बाद 7 मिनट होने को काफी अच्छा प्रदर्शन है, ताकत का इस्तेमाल करते हुए। भैया एक चीज तो भैया ध्यान दिया है, क्या मैं कुछ नगवा के खिलाड़ियों में जो कला है और कथरिया के खिलाड़ियों में जो ताकत है वो अद्भुत है। और इसी के साथ अद्भुत अद्भुत
वादे का पता नहीं लेकिन जिंदगी रहेगी। तब तक आपका साथ चलेंगे और कदम से कदम मिलाकर टाइम मत बिताओ जा। शानदार वापसी, इस तरह से टाइम शानदार वापसी। 6 मिनट नगवा 11 कटहरिया 8 सुपर टेकलॉन। नगवा के खिलाड़ी चाहे तो अपने टीम के लिए 2 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। सुपर टेकलॉन। और इसी के साथ सेफ रेड करते हुए नगवा खिलाड़ी रेड कराते हुए कटहरिया के टीम में। नगवा का अभी तक जितना भी खेल दिखाया काफी टेक्निकल लगा है। टाइम संतोष भैया हेलो और इसी के साथ आखिरी खिलाड़ी देखना चाहेंगे कि अपने टीम को अलग से बचा पाते हैं। जोरदार हौसले का जो प्रदर्शन किया है लाजवाब है, प्रशंसनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा करे उतना ही कम तक है खिलाड़ियों का। फर्स्ट पहुंचे हैं कटहरिया खिलाड़ी। नगवा 11 कटहरिया 12। कटहरिया 12 नगवा 11। और इसी के साथ नगवा के लंबे कद के खिलाड़ी, ये हमेशा ही 2 नंबर की जर्सी में अपने टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमेशा ही अहम भूमिका निभाते हैं अपने टीम के लिए। देखते हैं इस बार ये क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। और काफी चुस्ती और फुर्ती के साथ रेड कराते हुए इस तरह से टाइम से 4 मिनट खेल का सम्मान करें। यहाँ कोई वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है लेकिन आप बाबू ढीला मत पड़ो, पानी पी लो पानी। और ये गजब का डिफेंस। भैया हार और जीत किसी न किसी का होना ही है। आप अपने खेल के लिए और दर्शकों को प्रभावित कीजिए अपने खेल से। 3 मिनट और इसी के साथ कोई डिस्कस नहीं हुआ, खिलाड़ी कोई डिस्कस न करें। टाइम से 2 मिनट शेष 2 मिनट का खेल बचा हुआ है। और काफी कांटे का मुकाबला। कटहरिया 14 नगवा 13। गुरु हमेशा ही रेड करने गए अपने टीम के लिए कोई एक अंक कर दी अर्जित करके आए हैं। टाइम से
डेढ़ मिनट बचा हुआ है। इसी के साथ ही लंबे कद के खिलाड़ी और इस और अपने टीम के लिए एक पॉइंट हासिल करते हुए 14 नगरा 15 एक अंक का फासला, एक अंक का फासला, एक मिनट बचा हुआ है और शेष एक मिनट का समय, 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 बोलो देखो बोलो देखो बोलो देखो। इसी के साथ ये लंबे कहते खिलाड़ी रेड कराबर 16-16 बराबर 20 सेकेंड और ये गेंदों का हो सकता है काफी अहम रेड हो सकता है अपने टीम के लिए, काफी अहम रेड हो सकता है अपने टीम के लिए। 16-16 बराबर और रेड का टाइम भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेड का टाइम भी ध्यान दीजिएगा और